सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गावेया करनाद बिलावल राख हर उत्तम हर प्रभ गावेया करनाद बिलावल राख उपदेश गुरु सुन मन्नेया तुर मस्तक पूरा पहाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर 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 उरलिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमख घड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही की जीए जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी है तां दरगह पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारिए चूकै मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतो दिन सरात अंत ले छड़ाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया हर त्यावो भगतो दिन सरात अंत ले छड़ाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश शाम समय सतसंगत दा समां असीं प्राप्त कीता है गुरु हजूरी नूं माण रहे हां गुरबाणी कीर्तन रोजाना दी तरह सरवण कीता हुण बणदे समय विच गुरु शब्द व्याख्यान होएगा लड़ीवार बाणी विवेचना दे अंदर बिलावल राग चल रहा है वार रचना जो महला चौथा दे सिरनामे हेठ आ वो प्रारंभ हुई है बीते कल जो पैकेज आपने पूरा बाणी दे रूप विच स्रोत पाया इहदे विच दो श्लोक एक पौड़ी है एक श्लोक बीते कल विचारिया सी अगलेरा श्लोक ते पौड़ी वो साढ़े कोल जे विचारण वास्ते है सो जो श्लोक विचारिया गुरु रामदास महाराज दा सी चौथी पातशाही महला चौथा दे सरनामे हेठ जो बचन अज असी विचारना शुरू करना है महला तीजा दे सरनामे हेठ है श्लोक गुरु अमरदास साहब दा है ते पौड़ी डेफिनेटली फिर गुरु रामदास महाराज दी है खैर महला तीजा
गुरु अमरदास पातशाह जिक्र कर रहे श्लोक विच, बिलावल तब ही कीजी है जब होए जब मुख होवै नाम। बिलावल तब ही कीजी है जब मुख होवै नाम। बिलावल बीते कल थोड़ी इहदे बाद बाबा डिस्कशन कीती सी, ये राग है, इहदा समां दिन का दूजा पहर बनता सवेर के समय तो। इसनों सीजन वाइज जदों सुखद मौसम हो उदों गाउण की हिदायत आ, मूड के अंदर खुशी का इजहार करता है। जिस किस्म के नाल इस राग की बनतर की गई हूँ जो इसे चो ही, क्योंकि मैटाफोरिक वे नाल बात की जाती है कि सपोज बंदा जिमें बिलावल आ, मल्हार आ, बसंत आ, यो राग ने जिहड़े खुशी के समय अलापे जाते हैं मोस्टली। हुण समा मतलब खुशी का है तो उहदे च डेफिनेटली बंदा इहो जे राग गा रहा है, पर खुशी की परिभाषा की होएगी हुण इस रूप में भी समझिया जाए कि मनुखी मन की दशा आ, इस मन की दशा दे विच जिहड़े साढ़े मोस्टली ह्यूमन टेंडेंसीज जिहड़ियां ने उन्हें च साढ़े अंदर ईरखा जैलस फैक्टर जिहड़ा हैगा है, द्वैख एनवी कॉम्प्लैक्स जिन्हों कहा जाता उहदी हालत, इन बिन नफरत हेटड कितने ना कितने मौजूद रहिंदी किसी ना किसी रूप दे विच। ते ए भावें असीं उहदे बाबत अवेयर हाँ भावें नहीं अवेयर, पर सानू लेटर सूनर अपने कलावे विच लै लैंदी। हुण सपोज इस तरह जाणो एक न्यूज़ आउंदी है, न्यूज़ ये आउंदी है कि कोई किसी का नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो एकदम मन विच खुशी आउंदी भी हाँ वाह बड़ी वधिया खबर आई। मीन मैं किसी ईरखा किसी दुआ किसी साड़े किसी अदरवाइज जे किसी नूं कोई नुकसान होया तो खुशी कहती है फिर उहदे विच। पन्नू वीरे बंद करो। जो ये नुकसान होया तो उहदे च खुशी कहती है, पर खुशी ये है कि मनुख दा जिहड़ा जैलस वाला फैक्टर आ उसनू ये चीज़ ने खुशी दिती है। खुशी यूनिवर्सल तरीके नाल होए, एक मदर नेचर दे ला दे उस मुताबक होए, वह खुशी है। खुशी वह नहीं जो असी कई बारी उस ढंग नाल सोचते हैं कि जस्ट किसी के नुकसान किसी के उहदे विचों लभिया जाए। सो बाबा जी ये बाबत बात करते कि बिलावल उही है गाउणा, बिलावल उसे नूं समझा जाए गाउणा जदों बंदे दी सुरत च नाम दी होंद आ, ते जिहड़ी नाम वाली परवाज़ आ ये की विखाउंदी है। असी बाणी च अक्सर पढ़ते हाँ महाराज बयान करदे कि नाम ये विखाउंदा है कि सबह कट राम बोलै, सारयां दे हिरदे च इक्को ही रब तड़क रहा है। जे मैनू सूल चुभदी मैनू दुख हुंदा, किसी होर नू सूल चुभी उहनू भी दुख होएगा, मैनू सांझी पीड़ दे रूप दे विच इस किस्म दा सरोकार आ जाए। मनुख दी सांझ एक बड़े डिवाइन लैवल दी हो जाए, फिर इहदे विच जिस चीज़ की एक्सरसाइज होएगी वह हैगे ने कुछ शुभ गुण जिन्हां दे विच असीं जिवें कंपैशन की गल करते हैं, दया तरस करुणा कटसी, ये चीज़ां बंदे दे अंदर फिर जिहड़ियां नूं थां लैणगियां। सही तरीके नाल कहा जाए तो यही खुशी दे गीत ने। बाकी हाँ ये भी मन्या गया बंदा खुशी दे इजहार करन दे दो ही ढंग अपनाए ने अज तक बंदे ने। नंबर एक जदों खुश हुंदा आ उदों रोशनी बड़ी करदा आ, अजे भी तुसी देखो कोई फैसटिवल आ जिहनूं खुशी दा कहा जांदा रोशनियां करदे लोग दुनिया दे हर कोने हर खिते दे विच। जिहड़ी दूसरी है वह बहुत सारा संगीत वजाउणा, नाद आवाजां कढ़णियां, इह सब चीज़ां उत्ते फोकस करना। पर ये दोनों रूपां दे विच देखिया जाए तो जस्ट कई बारी
आउट ऑफ सम सोर्ट ऑफ इनफ्लुएंस, आउट ऑफ सम सोर्ट ऑफ जिन्हों कह लो कि एक कस्टम, उहदे विचों चीज़ां निकल दियां। नहीं तो खुशी खुशी तो मन की है, हर पल ही उर्स है, हर पल ही त्यौहार है, हर पल ही फैसटिवल है बंदे की सुरत, जे बंदे उस लैवल से मन ना आए तो। गुरु महाराज सारे फिर नाम नाल जोड़ दे ते कहिंदे इह तां जाणो जे नाम की तारा कि अंदर चेतन आते, फिर बंदा जीवन का हर पल ही खुशी के हिस्से च पावेगा। जिवें होर इस तरह जान लईए, आपां शायद एक दिन बात कर रहे सीगे, मैनूं याद पैंदा आ, जिस शख्स ने परसनैलिटी डिवेलपमेंट नूं एज ए सबजैक्ट इंट्रोड्यूस किया दुनिया दे विच, उसने अपनी डायरी लिखी सी ऑलमोस्ट बहुत बचपन तो, को 8 साल की उम्र तो लिखन लगा, तो उस तो बाद लगातार लिखदें लिखदें जो बुजुर्गी की उम्र च गया तो फिर अपनी डायरी का मुतालिया करता, जिसनों कह लो कि उसका सारी नूं रीविजिट करता है, तो जो करता तो फिर पता लगता कि माई गुडनैस जीवन का किवें किवें समा गवाया है सारा। साडा मोस्टली यही हाल है, असी जीवन एक बस सुते सिद्ध रूप दे विच लॉस्ट करते लगे जा रहे हैं, गवाई जा रहे हैं, फिर कहने खुशियां नहीं लभ रही। फिर लोग कितना कित यहोजे मूमेंट्स यहोजे पल लभदे कि खुशी होए उस रूप दे विच, हालांकि गुरबाणी दे आगोश बैठे हाँ, आपने किन्नी किन्नी बार शब्द सरवण किया होना, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नज़र करे। मैं किसी एक खुशी नूं लभ रहा, गुरु लखां खुशियां दा मालक है, तो सानू महाराज कहिंदे तू लखां खुशियां दा मालक बन सकदा है, यू कैन गैट इट, यू कैन अटेन इट, पातशाहियां अचीवमेंट्स। मैं कोई एक जीवन की अचीवमेंट लभ रहा भी आ एक मेरे नाँ ते आ जाए, तो महाराज कहिंदे ओ लखां ही पातशाहियां बख्शन अचीवमेंट बख्शन लई तैयार है तेनों, पर की है जदों नज़र का पात्र मैं बनांगा। सो जिहड़ी नज़र की पात्रता आ ये नाम की धारा नाल जुड़न वाली गल आ। इस नूं होर अज की जिहड़ी है लैंग्वेज कर लिया जाए, गल ये है मनुखी वलवलियां दे अंदर कितना कितने सोझी होए रोशनी होए, तो उस रोशनी के अंदर अपने अंदर चल रहे जिहड़े थॉट्स ने विचार ने रावां ने उन्हां नूं बंदा थोड़े जिवें ना एक घर तो उही है पर वह सारा कुछ उगड़ दुगड़ पिया आ, उसनों फिर टाइडी अप किया जाता है, थोड़ा एक सही ढंग दे नाल उसनों जिहड़ा हैगा सवारिया जाता है। सो इस सवरण की गल हो रही है, ये भी ये बात होंदी सीगी आपां जे संगीत बाबत जिन्होंने कुछ किताबां लिखियां उन्होंने पढ़िए, तो संगीत गाउण तो पहला एक स्टेज सजाई जाती सी पूरी, ऐसी जगह जिथे बैठ के उस संगीत की आभा नूं मानना वाजब हो सके। खुशी नो डाउट असी इजहार विच लैके आवांगे, असी उसनूं प्रगट करांगे, पर वो मन की स्टेज ते सजे उस लैवल ते ये नाम के रूप सजेगी। सो नाम शुभ गुणा की आमद जीवन दे विच हो जाए, जिथे आपां जे हुणे बात की शुभ गुणा के रूप के अंदर मनुख दे च दया होए, तीरज होए, धर्म होए, बैराग होए, ये सुमत्या ये सब चीज़ां आ जाण तां जाणो बिलावल गाया जाएगा, तां जाणो खुशी का असल रूप आएगा। अदरवाइज किसी नूं साड़ के किसी नूं ईरखा विच पा के तां खुशी है, किसी की जिस नाल ईरखा आ उसनूं किसी तरीके का नुकसान वेख के तां खुशी है, अजीब तरह की हालत बंदा इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा जी रहा। मानवी संसार इसे नूं शो ऑफ करना कहा जाता है। गुरु महाराज गुरु अमरदास साहब बयान करदे बिलावल तब ही कीजिए, उदों ही जाणो बिलावल करोगे उदों होएगा बिलावल, जब मुख होवै नाम। अगला वाक लिखा राग नाद शब्द सोहणे जां लागै सहज ध्यान, राग नाद शब्द सोहणे इह तां जचन सोहणे मैनूं जचना जां लागै सहज ध्यान। कुछ चीज़ां किसी खास वड्डे परपज़ लई कीतियां जांदियां, जो परपज सर्व नहीं हो रहा, सपोज इस तरह जानिए आप कोई एक एग्जाम्पल लै लिए संसारी तौर पर, बच्चा स्कूल जाता, स्कूल बच्चे की असैम्बली होंगी, असैम्बली का मुख्य परपज की है जी, जो देखा जाए वाई स्कूल्स आर एक्चुअली
engaging kids in assembly. There are basics jede unna de motive hai ge unna de piche. Number ek, sense of belonging is school de vichon. We are the part of this institution. Main kalla nahi hai ga, puri ek pur di puri ek jehdi hai ge us institution de naal ek united way de naal samajh aave andar. Bachcha assembly jaye te utthe ja ke isolate feel kare, left out feel kare, mehsoos e kare ki main na asle ch fit nahi ho reha, main kalla hi ha, main pata nahi kaun ha, eh pata nahi ki gallan kari jande ne. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਇਟ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ. ਪਾਂਚਵਾਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕੇਵ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਸੀਗਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੇਵ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ. ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਈਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ. ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਕੋਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ. ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ. ਦੁਬਿਧਾ, ਦੁਚਿਤੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੋਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨੋਟ, ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਨੋਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੇ. ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਨੈਵਰ ਨੋ. ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਐਕਚੁਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ. ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋ ਮਚ ਐਕਚੁਲੀ ਕੇਅਰ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ. ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ. ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ CBC 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਪਾਂਜਵਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਵਰਸ ਤੋਂ ਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਨੈਟਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰਮਿਸਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ. ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪਲ
विद कलर उन्होंने उत्ते रेसिस्ट रिमार्क कर दे, उन्होंने मतलब बुली कर दे, या कई बार बहुत वायलेंट लैवल पर आके तो उन्होंने जान लै लेंदे, तो उसने उसनों कतल कर दिता। जो कतल किया तो बाहर किसी कैफे दे विच सीगा, तो एक गोरा बंदा कतल कर रहा है ते नाल ही टेबल दे उत्ते गोरा कपल बैठा है। जो ये काम करन लग्या वो हैल्प करने लई भज रहा, वो कह रहा है भी मतलब आई शुड स्टॉप हिम। दोवें रंग साढ़े सामने ने, नफरत भी है सेम उस बंदे दे रूप दे विच, ते प्यार भी है, वो अपनी जान दे भी खेड़ रहा इस तरीके दे नाल। मैं बात शायद पाई होएगी काफ़ी साल पहले की गल आ, मैं इतने स्टेट्स किसी ने असी हेट क्राइम पर गल कर रहे थे, तो सज्जन आए तो उस थोड़े मतलब उस वक्त ठीक नहीं सी फील कर रहे, तुर रहे होर तरह तुर रहे थे, पता लगा हो कह लगे हेट क्राइम का विक्टिम बनया वा, वो हेट क्राइम का विक्टिम हाँ कहते रीसेंटली एक गैस स्टेशन बाय किया शायद अटलांटा की गल दस दौ, तो वो गैस स्टेशन जैसे एक या दो दिन पहला बाय किया, तो गैस स्टेशन तो उस तो गड्डी एवें कढ़ी है रोड से पाई है, नाल गड्डी लगी है तो एकदम जोर लगे जिहड़ा हैगा गनशॉट की आवाज़ आई है। एक बार तो सोचा कितने पता नहीं टायर नहीं फ्लैट हो गया, यहोजी आवाज़ एक दो आवाज़ा होर आई, फिर पता लगा नहीं नहीं टायर फ्लैट होने की आवाज़ नहीं गनशॉट की आवाज़ है। ता ही तो उस समय लत्त दे विच एकदम फील होया, तो देखिया तो ब्लड ही ब्लड सीगा, एक्चुअली नाल दी गड्डी ने मेरे ते जिहड़ी हैगी फायर ओपन किया है। ठीक है जी, वो जिवें एवें होया तो मैं उस बंदे ने मेरिया अखां च वेख लिया, मैं उहदियां छुणां मूं सामने नज़र मिल गई इस तरीके नाल, नाल मेरा बेटा बैठा। मैं कहा भी कोई गल नहीं, हुण जिहड़ा करना सी तू कम करता, तो हुण एवें तो नहीं जा सकता, इन्ने कावट तो सी भी नहीं है, वो गड्डी नाल रोड रेस शुरू हो गई नाल ही, तो कहते भी वो जो गड्डी मैं नाल दौड़ाई तो उन्होंने पता लग गया कि हुण बंदा हटेगा नहीं, एक्चुअली इज गोना कैच मी, तो फिर गड्डी उन्हें होर स्पीड ना पजाई। तो कहते ये दोनों सी हो रहे, तीसरी गड्डी होर है पिछे, वो वाइट कम्यूनिटी चो कोई मतलब एजड गोरी हैगी गड्डी नाल पजा रही है, तो अगले इंटरसैक्शन तक जाद्या तक वो गड्डी कितने पास ऑन होगी, मैं थोड़ा पिछे रह गया, तो मैं फटाफट इशारे कर रही है, तो इशारे करके दो इस तरीके मैं जोड़ा है अपना शीशा थले किया है, तो मैं आवाज़ दे कहती मिस्टर सिंह व्हाट आर यू डूइंग प्लीज़, देर आर एक्चुअली क्रेजी पीपल, यू शुड वी शुड नॉट एक्चुअली फॉलो दैम एट ऑल, नो प्लीज़ यू हैव योर किड विद यू, नो स्टॉप इट। उस वक्त तो पता लगा 911 ने कॉल करती हैल्प की, कहना भी मैं कह एक बंदा जो मुझे कोई जान पहचान नहीं अपने एक्सट्रा माइल जाके उपर दी जाके मेरी हैल्प कर रहा है सारा उस रूप दे विच, तो दस रहा मैं कि मतलब जोड़ा हैगा इट्स नॉट वर्थ टू एक्चुअली अपनी जिंदगी यह जो लोगों के मगर जाया करने। इस तरीके की बात है कि संसार है मिक्सचर आ, इतने कूड़ भी है इतने सच भी है, इतने नफरत भी है इतने प्यार भी है, पर जे बंदा एक चीज़ नू एक्सपीरियंस करके भजन की कोशिश करेगा तो होएगा कि इस करके जिहड़ी मैं बात असैम्बली तो शुरू की सी सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब उत्थे सोशलाइज होना आवे, ये चीज़ा उहदा मेन परपज बंदा आप अपने तरीके ना कह सकता है, कोई कहिंदा असैम्बली दे जी प्रेयर की जाती है, कोई कहिंदा इस तरह की प्रेयर होए इस तरह, ये बहस के मुद्दे हो सकते, पर अल्टीमेट गोल की है उहदा, अल्टीमेट गोल ये है लोगों नू आपस दे विच प्यार स्नेह दे नाल कट्ठे होना रहना असैम्बली करने जा सके उस रूप दे विच। जे वो चीज़ मकसद पूरा नहीं हो रहा, वह असैम्बली नहीं हो रही फिर उस रूप दे, फिर सानू उस लैवल ते उस तरीके ना करना चाहिए। एक एग्जाम्पल की मैं इत्थे, दूसरी जिहड़ी चीज़ हुंदी है उहदे अंदर डेफिनेटली डिसिपलिन भी हुंदा है, सो डिसिपलिन सिखाया जाता। बाबा जी ने जिहड़ी बात की हुण मैटाफोर तो वापस आवें इस पावन शब्द के उत्ते, महाराज बयान करदे राग नाद शब्द सोहणे जां लागे सहज ध्यान, राग राग गाउणे आवाज़ां म्यूजिकल वे दे नाल बड़े मेलोडियस नोट्स विच करनियां, नाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वजाउणे ते सुणने उस रूप दे विच, शब्द रागां ते नादां दे विच लफ्ज़ां नूं प्रो के अपने आप को प्रभावित करवाना, उन्हों तो अपने प्रभाव उन्होंने प्रभाव हेठ आ जाना, उन्हों का इनफ्लूएंस लैके आना, सोहने
ਤਾਂ ਇਹ ਜਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਜਚਦੀ ਜਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਪਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਈ ਨਾਦ, ਕੋਈ ਧੁਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਹਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਤਾ ਵੰਡਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤਨ ਬਾਵਕਤਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਟਾਫੋਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਓਹੋ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂਐਂਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਟਸ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ, ਲੋਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਕਚੁਲੀ ਦੇਅਰ ਗਰੋਥ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਰਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੋਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਆ, ਹੁਣ ਡਨ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, MD ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 9 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਕਚੁਲੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਯੂਨੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਡ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ,
आई देखती हैं हां एक्चुअली गल की है ध्यान दूर तक देख ये चीजा आंदियां जांदियां रहणगियां। ये जिहड़ा बाबा जी जिहड़ा बयान करदे ना ये जिहड़ा नाद आ राग आ ते शब्द आ ये सानू कैपेबल बनाउंदा सानू दुबारा फिर साडी एनर्जी इकट्ठी कराउंदा। इसे करके कीर्तन सुनने की बात की गई कीर्तन निर्मोलक हीरा कैस तो निर्मोलक दात कोई नहीं गी बेशकीमती दात आ। शायद आपने तो पता होए कि जिवे ना लोगों के कोल जिन्हां कोल कुछ वैल्थ वगैरह होंदी थोड़ी बहुती तो डेफिनेटली वो रिस्क भी ज़्यादा लेंदे कई बार थोड़ा बिजनेस कितने इन्वेस्ट कर लिया कुछ कर लिया ट्रेडिशनल वे नाल भी एवें हुंदा सीगा। फिर वक्तन बा वक्तन की करदे अपनी तिजोरी वगैरह खोल के या कोई जुड़े सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सारे कढ के दो चार वारी ध्यान मारदे वेखदे तो फिर कॉन्फिडेंस फटदे भी कोई गल नहीं अपने कोल बहुत अजे वैल्थ हैगी है घबराउण दी लोड़ नहीं है सिख कॉन्फिडेंस वध जांदा दुबारा। फिर बाबा जी कहिंदे बस कीर्तन इहो जी दात ही है ये निर्मोलक हीरा आ जो तेरे कन्नां च पएगा जो तेरी सुर ते जाएगा तेरा ध्यान परपक करेगा भी लै जिंदगी बड़ी विशाल चीज़ है मालिक बड़ा बेअंत है तरस करेगा ये तो फिर बंदे जिहड़ा ध्यान वाला परपक्ता वाला पक्ष है वह वधदा है उहदी बात हो रही है। राग नाद शब्द सोहणे जां लागै सहि ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी है तां दरगह पाईऐ मान राग नाद छोड़ हर सेवी है जे ये राग नाद हरी वाले पासे लैके जा रहे फिर तो ठीक है तो जे उहदे तो तोड़ रहे ने आपां मैं पहले एग्जाम्पल की अज की दुनिया असं देखते हैं मैं तो खास करके पीपल विद कलर जो गल करिए खास अपने एथनिक कम्यूनिटी के बच्चे यंग बच्चे एक एज का ग्रुप हैगा जिस जिस बच्चे पुछोगे ना वो एको चीज़ बनना चाहता है बस मैं तो आई वॉन्ट टू बी रैपर बस उ डब डब जी उ चंकी लगती है तो मैं कई बार सोचता भी ये जे रैपरस बनना चाहते हैं कभी देख सही वो करते कि ने जदों मैरुआना डीक्रिमलाइज किया गया इतने जिसनों असी लीगलाइज करना कह दें एक्चुअली डीक्रिमलाइजेशन हुई से भी ताकि जे किसी दे कोल मारुआना है थोड़ा बहुत या किसी ने उस रूप है तो उन्हों क्रिमिनल कंसीडर ना किया जाए इतों ये बात शुरू हुई सी। उन्हां दिनां दे च मीडिया ने वक्रे वक्रे मतलब एवन्यूज तो बंदे लियांदे जिन्होंने वक्रे वक्रे तरीके दी चीज़ां प्रजेंट कीतियां एक हिप हॉप सिंगर भी सीगा मैं CBC ते खुद प्रोग्राम आप जिहड़ा हैगा सुनिया तो बड़ी अर्ली एज दे विच मैरुआना यूज करन लग गया तो हुण अराउंड अपने 40s दे नेड़े सीगा तो बहुत सारे इशूज दे नाल दो चार कर हो रहा वो तो उसनों पुछदा है जिहड़ा इंटरव्यू वाला कि भाई हुण ते डीक्रिमलाइज कर दिता मेन लीगलाइज करता ईजीली अवेलेबल होएगा तो तू हुण पेरेंट भी हैगा बच्चे तेरे हाउ अबाउट योर किड व्हाट यू गोना टेल योर किड तो वो भी तो यूज करनगे ना कहिंदा हुण मैं तुहानूं सीधी इग्जाम्पल करदा कि बच्चे जे तो इन रिक्रिएशनल के तौर पर यूज़ करना है फिर एक एज तक वेट करो 25 साल के करीब तक जो तक ब्रेन वगैरह प्रॉपर डिवेलप हो जाए तो जे उस तो पहला तुसी करना है तो फिर बी रेडी लाइक मी इफ यू थिंक माई लाइफ इज कूल आई एम गोइंग थ्रू विद सो मैनी हैल्थ इशूज सो मैनी एक्चुअली कॉग्निशन फंक्शनिंग इशूज दैन एक्चुअली मोर दैन वेलकम गो हैड अदरवाइज वेट कर लो थोड़ा उन्नी देर तक मेच्योरिटी आ जाएगी चीज़ों का पता लग जाएगा। सो मतलब है कि जिहड़ा बंदा कोई इस आदत विचों नंगिया उसनू पुछ के देखो जिथे गीत न गाणियां दे च नशे खाण दी है वायलेंट बिहेवियर अडोप्ट करन दी है सारे उत्ते इम्फेसाइज किया जा रहा है निकलेगा कि एंड ऑफ द डे हुण ते इनियां स्टोरीज ने अक्सर असीं डिस्कस करते रहने क्योंकि मैं जिहड़े यंग अफेंडर्स उन्हां नाल ज़्यादातर कम करदा हाँ तो मैं तो रोज़ कोई ना कोई नवी कहानी मेरी सुरत च पैंदी। सो इत्थे बाबा जी जिहड़ी बात कीती वो राग नाद ना समझो जिहड़े तुहानू हरी तो छोड़ के किसी होर पासे लै जाण फिर एक कम करो सही राह अडोप्ट करो राग नाद ही छड्ड दिओ इहो जिहे सुणने दा की करांगे जिहड़ा सुणना ही सानू खराब कर रहा थे। बाबा जी कहिंदे राग नाद छोड़ हर सेवी है तां दरगह पाईए माण तां साण तैनू रब्बी दरगाह दे विच माण मिलेगा रब्बी कोर्ट विच मीन
अकाल पुरख वाहगुरु के बनाए हुए उस कानून के उस ला दे कुछ बेनीफिट मिलेगा वो अंतली लाइन है बिल्कुल नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिया चूकै मन अभिमान मन के अभिमान भी एक जिन्होंने फेक कॉन्फिडेंस कहने जिद एरोगेंस जन्म लेंदी है यू नो यू डोंट हैव टू टैल मी एनीथिंग आई नो वट टू डू चाइल्डिश बिहेवियर है बच्चे नु कोई काम करना आवे ना आवे जो कुछ कह कहे उस बेटा एवं कर मैं आई नो यू डोंट हैव टू हैल्प मी आई विल डू दैट भावें अगले पल सारे खराब हो जाए फिर पता लगता ओहो आ की बनया बाबा जी कहें एज ए मतलब मच्योर बीइंग एक वड्डे होने के नाते साडा फर्ज यह बनता है असी इस अभिमान नु छड़ दईए नानक गुरमुख ब्रह्म विचारीए गुरु वल मूँह करके गुरु आशे मुताबक ब्रह्म की विचार करिए सच की विचार करिए ताकि साढ़े जीवन दे विच ब्रह्मलीनता सच दे नाल जिहड़ी है आत्मसात होने वाली अवस्था बन सके अगे पौड़ी है जिहदी विचार आउंदे समय च करांगे अज वास्ते समा समाप्त आ इन्हीं बेनतियां नाल खिमा भुलां गलतियां ना चितारियो सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।